गाइस कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग ठीक ही रहेंगे। ओके तो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि यहाँ पे जाके ओपन नहीं हुआ। ओके तो इसको मैं ओपन करूँगी। तो मैंने लास्ट टाइम में देखा था कि हमको डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है। तो हमने यहाँ पे एक डेटाबेस बनाया है जिसका नाम मैंने रखा है सोशलाइट करके, क्योंकि हम सोशलाइट यूज़ कर रहे हैं इसलिए मैंने उसका नाम भी क्या लिया, सोशलाइट ही करके रखा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्रिएट किया है यूज़र टेबल, राइट। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आया है यूज़र टेबल। बाय डिफ़ॉल्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने माइग्रेट किया है लारावेल में। हमारा जो लारावेल प्रोजेक्ट है यहाँ पे जाके मैंने उसको माइग्रेट किया है, इसलिए वो क्या करता है कि ऑटोमेटिकली उस जो अदर्स टेबल आए ना ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। नहीं तो आप डायरेक्टली भी वहाँ पे जाके, यहाँ पे जाके आप डायरेक्टली वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं आपका टेबल। ओके और उसको यूजर्स में आपको एक कॉलम सभी देने में, और एक बार रिवाइज कर रही हूँ, ये सभी कॉलम्स दे दो और आप एक डेटाबेस बना दो। ओके तो उसके बाद हमने क्या किया था, वहाँ पे जाने के बाद हमने यहाँ पे डॉट ई एन वी फाइल हमारी। ओके तो यहाँ पे हमने उसका डेटाबेस का नाम दिया था और यहाँ पे यूज़र नेम लिखा था। ओके तो यहाँ तक हमारा लास्ट सेशन में हुआ है। अब इसके बाद हमको क्या करना है वो मैं आज इस सेशन में बोलने वाली हूँ। ओके तो चलो हम स्टार्ट करेंगे। ओके तो चलो यहाँ तक तो हुआ। ओके तो नेक्स्ट हमको है कि हम जब ऑथ इंस्टॉल करते हैं, राइट, तब हमको बाय डिफॉल्ट एक कंट्रोलर मिलता है। ओके तो हमको एक कंट्रोलर बनाना पड़ता है। ओके तो यहाँ पे ऑथ में जाऊँगी, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे नहीं, हमको कंट्रोलर में जाना है। तो कंट्रोलर में भी हमारा एक ऑथ रहता है। ओके तो यहाँ पे ऑथ में जाने के बाद यहाँ पे लॉगिन कंट्रोलर है। ओके यहाँ पे जाना है लॉगिन कंट्रोलर में, और यहाँ पे हमारा जो कुछ कोड रहेगा जो हम गूगल से लॉगिन करने वाले, नहीं तो फेसबुक से लॉगिन करने वाले, उसका कोड हमको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जब आप नया नया रहता है तब आपका यहाँ तक रहेगा, कंस्ट्रक्ट तक रहेगा, उसके बाद में नहीं रहेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे चार फंक्शंस लिखने हैं। ओके तो पहला फंक्शन से रीडायरेक्ट टू गूगल, मतलब हम जो गूगल हमारे जो लॉक समझो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, राइट, कहाँ पे गया, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारा जो गूगल अकाउंट ओपन होता है ना उसके लिए ये है। ओके तो रीडायरेक्ट टू गूगल। ओके बाद में यहाँ पे हैंडल गूगल कॉल बैक, यहाँ पे हम साइन अप और लॉगिन का हैंडल करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं हम यूज़र से डेटा ले रहे पूरा, और यहाँ पे रजिस्टर और लॉगिन यूज़र, समझो यूज़र का डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो डायरेक्टली लॉगिन हो जाएगा और होम पेज को रिडायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके समझो यूज़र का डेटा नहीं है वहाँ पे तो रजिस्टर करके लॉगिन हो जाएगा और होम पेज को रिडायरेक्ट हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे रजिस्टर लॉगिन करके फंक्शन है। ओके तो यहाँ पे वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेव हमको फेसबुक को भी करना है, यहाँ पे भी हमको फेसबुक को लॉगिन के लिए यूज़ करना है। बाद में फेसबुक को कॉल बैक करने के लिए फंक्शन यूज़ करना है, जहाँ पे समझो यूज़र फेसबुक अकाउंट मतलब उसका डेटा नहीं है डेटाबेस में तो क्रिएट करेगा, नहीं है तो डायरेक्टली लॉगिन करेगा, और वो कहाँ पे इस रीडायरेक्ट राउट होम पेज को क्या करेगा, वो रीडायरेक्ट करेगा, मतलब वहाँ पे जाएगा वो लॉगिन करने के बाद। हमको कहाँ पे जाना है, किस पेज के ऊपर जाना है, वो हम यहाँ पे रिडायरेक्ट करके उनको बोल सकते हैं। तो होम कहाँ पे है हमारा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा होम फंक्शन है। ओके होम कंट्रोलर है, वहाँ पे जो इंडेक्स फाइल रहती है वहाँ पे वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। ओके तो ये लॉगिन कंट्रोलर, तो मैं कोड दे दूंगी, मैं कमेंट में क्या करूँगी कि गूगल ड्राइव का अकाउंट कनेक्ट करके वहाँ पे कोड दे दूंगी, तो आप वहाँ से प्लीज़ डाउनलोड करो और आप ट्राई कर सकते हो। और उसको क्या क्या लगता है, हमको क्या क्या इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो हमको एक तो इम्पोर्ट करना पड़ेगा सोशलाइट। तो सोशलाइट हमने पहले ही इंस्टॉल किए हैं, आपको आप समझो आप नए चैनल पे हो अभी आए हो तो हमारा पहले भी वीडियो देखो, मैंने वहाँ पे पूरा ट्यूटोरियल इसका बोला है कि फर्स्ट टू अभी तक कैसे करने को सब कुछ, क्योंकि हमको हमने ये सोशलाइट इंस्टॉल किया ऑलरेडी। ओके तो इंस्टॉल करना है, फिर ऑथ लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट करना है, बाद में यूज़र हम यहाँ पे यूज़ करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे यूज़र यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने यूज़र को इम्पोर्ट भी किया है। ओके तो ये हो गया गूगल से कैसे लॉगिन करने का है। ओके और फेसबुक से कैसे लॉगिन करना है, फॉर एग्जाम्पल समझो हमको यहाँ पे नॉर्मल लॉगिन करना है, हमारा गूगल अकाउंट भी नहीं है, हमारा फेसबुक अकाउंट भी नहीं है, ऐसे भी होता है कि किसी का गूगल अकाउंट भी नहीं रहता फेसबुक भी नहीं रहता, तो हम मुझे नॉर्मल लॉगिन करने, पापा मेरे पास तो अकाउंट नहीं है, तो वो कैसे करेंगे, तो वो अभी मैं बोलूँगी आपको। तो वो करने के लिए हमने और एक कोड लिखा है यहाँ पे, तो देख सकते हैं आप रजिस्टर और लॉगिन यूज़र। फॉर एग्जाम्पल आपका कुछ भी अकाउंट नहीं तो डायरेक्ट हमको रजिस्टर करना है और रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने यूज़र टेबल का मॉडल लिया, यहाँ पे ईमेल है, यहाँ पे ईमेल है, यहाँ पे फर्स्ट है। फॉर एग्जाम्पल समझो हम रजिस्टर करें तो ईमेल चेक करेगा हमारे डेटाबेस में ईमेल है कि नहीं, फर्स्ट ईमेल चेक करेगा ईमेल है कि नहीं, समझो ईमेल है तो डायरेक्टली लॉगिन हो जाएगा। ओके और ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझो ईमेल नहीं है, नॉट,
नॉट मीन्स वहाँ पे ईमेल आईडी नहीं है जो हम इंसर्ट करें, तो वो क्या करेगा, हमारा ईमेल नेम लेगा, हमारा ईमेल लेगा, हमारी आईडी लेगा, प्रोवाइडर आईडी, हमारा अवतार मतलब इमेज लेगा, और वो रजिस्टर करवाएगा। मतलब हमको यहाँ पे जो डेटा मिल रहा है ना, मैं दिखाऊंगी आपको डेटाबेस में, तो यहाँ पे देखो जो हमारे ई नेम, ई मेल, प्रोवाइडर, और तो वहाँ से ही आता है। ओके मतलब फॉर एग्जांपल कि बोल रहे हो आपका अकाउंट है तो यहाँ पे वो स्टोर हो जाएगा। ओके यहाँ पे समझो हमने समझो यहाँ से रजिस्टर है यहाँ पे। ओके ओके ओपन हो जाओ, ओपन हो जाओ, ओपन हो जाओ, तो वेट करेंगे थोड़ा सा हम, ओपन होने के लिए टाइम ले रहा है। हाँ तो रजिस्टर यहाँ पे देख सकते हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड। ओके तो ये सब कुछ हमको हमारा कहाँ पे जाके स्टोर होता है, यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। समझो आपका कौन सा भी अकाउंट नहीं है, तो उसके लिए हमने वो भी कोड लिखा है, क्योंकि वो भी ऑप्शन देना चाहिए ना यूज़र को, तभी इजी होगा, क्योंकि सबके तो गूगल अकाउंट नहीं होते। ओके उसके लिए तो हमने ये कोड लिखा है। ओके आई होप आपको समझ में आया ये कैसे वर्क हो रहा है। ओके ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमको इम्पोर्ट करना है। ओके तो आई होप ये समझ में, तो इसको अभी हमको राउट देना है, पाथ देना है, तभी ये वर्क होगा, नहीं तो वर्क नहीं होगा, राइट। तो इसको हम पाथ देंगे अभी, तो उसके लिए हमको जाना है web.php में। ओके तो कहाँ से जाएंगे हम, यहाँ पे रिसोर्सेस में, व्यूज़ में नहीं सॉरी राउट्स में, web.php, तो यहाँ पे जाना है। तो ऑलरेडी होम में बाई डिफॉल्ट लेता है, जब हम ऑथ इंस्टॉल करते हैं तो बाई डिफॉल्ट होम कंट्रोलर लेता हूँ, तो मेरे पास नोट से वही मैं निकालूंगी, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे हमारे पाथ है, देखो ये हमारा पहला पाथ हो गया। बाद में हमको गूगल लॉगिन करना है, तो लॉगिन के लिए मैं ये पाथ कॉपी करूँगी डायरेक्टली और यहाँ पे पेस्ट करूँगी। ओके तो मैं एक्सप्लेन करूँगी ये भी क्या है एग्जैक्टली। ओके तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐप एचटीटीपी कंट्रोलर ऑथ लॉगिन कंट्रोल, तो मैंने कौन सा कंट्रोलर लिया, ये ऑथ का लॉगिन कंट्रोलर लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और रीडायरेक्ट टू गूगल, तो मैंने यहाँ पे दिखाया अपना आपको दिखाया राइट, रीडायरेक्ट टू गूगल, तो उसके लिए मैंने ये पाथ लिखा है, और यहाँ पे लॉगिन डॉट गूगल। ओके तो यहाँ पे है हमारा पाथ है। ओके जो हम ए भी यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ, इसके बदले मुझे मैं ये यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने रीनेम किया उसको। ओके तो ये हो गया लॉगिन का, और एक फंक्शन है हमारा राइट, कौन सा है, हैंडल गूगल कॉल बैक। ओके तो उसके लिए मैंने और एक पाथ लिखा है। ओके तो मैं यहाँ पे दे दूंगी उसको, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हैंडल गूगल कॉल बैक, इसको हैंडल गूगल कॉल बैक है, जो हम लॉगिन करते वक्त जो यूज़ करते हैं डेटा वगैरह एंट्री करने के बाद, तो ये यहाँ पे वर्क हो जाएगा। ओके तो दिस इज़ फॉर गूगल, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी बताएं, इसको नीचे करते और यहाँ पे मैं गूगल लॉगिन करके देती हूँ। ओके गूगल लॉगिन डन। ओके तो नेक्स्ट सेम मैंने फेसबुक के लिए भी किया है, सेम मुझे फेसबुक से लॉगिन करना है, तो फेसबुक लॉगिन राउट है यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है फेसबुक लॉगिन राउट एंड गूगल लॉगिन राउट, तो फेसबुक लॉगिन राउट और गूगल लॉगिन यहाँ पे भी मेरे राउट दे देती हूँ, राइट इजी हो जाएगा। ओके तो ये हो गया दोनों, तो यहाँ पे भी सेम ही है, लॉगिन फेसबुक, लॉगिन फेसबुक कॉल बैक, तो यहाँ पे लॉगिन कंट्रोल में आप गए, तो यहाँ पे हमारे दोनों फंक्शन है, रीडायरेक्ट टू फेसबुक, हैंडल फेसबुक कॉल बैक। ओके तो यहाँ पे है हमारा, ये दोनों हो गए। ओके तो वो हम बाद में देखेंगे मैनुअल लॉगिन करने का, पहले हम ये देखेंगे, तो ये दोनों हो गए आप हमारा। ओके तो यहाँ पे हमने ये किया, बाद में लॉगिन कंट्रोलर का किया, पाथ दिया। आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा पूरा कैसे करना है, क्या करना है। ओके तो इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको अकाउंट क्रिएट करना है राइट, गूगल में अकाउंट करके वहाँ पे हमको एपीआई मिलता है, वो एपीआई हमको हमारे कोड में यूज़ करना है, फेसबुक में भी, फेसबुक के भी डेवलपर अकाउंट में जाके वहाँ पे भी हमको एपीआई मिलते हैं, वो एपीआई हमको हमारे कोड में लेना पड़ता है, तभी ये लॉगिन हो जाएगा, नहीं तो लॉगिन नहीं होता। तो मैं क्या करूँगी, आई थिंक मुझे उसको नेक्स्ट इसमें करना चाहिए वीडियोज़ में, क्योंकि आप भी कन्फ्यूज़ मत हो जाए, यहाँ तक आप फिनिश करो। तो अकाउंट ओपन करने का, तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगी आपको, यहाँ पे जाके हमको अकाउंट ओपन करना है, करने का वो कैसे करने का, एपीएस कैसे लेने का, वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में डेफिनेटली बताऊंगी, क्योंकि हमको कंटिन्यू करना ही है। ओके एंड तक मैं पूरा कंप्लीट करूँगी, लॉगिन कैसे होता है आपको इजीली बताऊँगी। ओके तो वीडियो अच्छा लगा, और आप हमारे हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो। ओके एंड हमारा टारगेट है 5K सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ करो। थैंक यू सो मच, और आप बहुत सपोर्ट करें इसलिए थैंक यू सो मच।